ग्लेरिसिडिया हरी खाद। राम राम, मेरा नाम जगन है। हम समाज प्रगति सहयोग में खेती कार्यक्रम में खेती को काम करूं। तो आज अपनों गिलर सीडिया के बारे में चर्चा करांगे, जेका किस तरह से लगाना है। तो एक दो तरीका से लगाई सकता। एक तो नर्सरी में बीज के द्वारा रोप तैयार करें ना, और दूसरा तरीका एक है कि कलम का द्वारा कलम काटने लगाई सकता। तो जमा सिंह में एक किसान है नारू भाई, वह हर साल कलम का द्वारा गिलर सीडिया की संख्या बढ़ ही रही है अपने खेत में। तो आओ नारू भाई से मिल सकता जमा सिंह जैन अपन। राम राम जी जी, कहीं नींदी रहा तुम तो बेहतरीन पानी वाणी पिलिया करो। पानी की हाँ नींदी ले जे मर सारा आना धुन है रे ती नींदी ले जे तो पानी किया कर सके। पर पानी बिन भाता नहीं। रोटा वोटा खाई कि नहीं खाई? रोटा वोटा खाई तो हाँ जाओ का रोटी खाने त्या है रे बाखु। हाँ नींदी लेवा ने दातो लाए कि नहीं अपना क्या गिलर सीटा कलम लगाना है? नहीं लाए रे? लाए रे चलो फिर कलम लगाओ। तो इनका अभी तक तुम पत्ता डाला तो कुछ असर मालूम पड़ी रहा तुमका? डाले तो खरा पत्ता। हाँ पर देखियो नहीं अभी असर। हाँ असर तो नहीं सूझ नहीं पड़ रही। हाँ सूझ नहीं पड़ रही। डाली फिर काटी रिया फेंकी रिया खेत में भी। हाँ नाखी रिया पत्ता पर सूझ नहीं पड़ रही। काय मालूम गोबर खाद भी हूँ डाली। अच्छा तुम मतलब तुमने उस तरह से ध्यान नहीं दिया बाकी डाली जरा। हाँ साथ गोबर खाद वो गिलर सीढ़ी का पत्ता भी ना। ऊपर ऊपर थोड़ा याद काट रहे हैं। ती इनाग में काटी दे दी ती छाल पर ओली पर सवारू वाल जासे ज्यादा वाल शेर सी जे काटे हर सी ओली ज्यादा है से उतर ज्यादा वाल जासे ओली काटना से इन पोसा यो काटल छन से बस काट दे कहां। बस वो कब काट दे बड़ा कट सब। ये जो पौधा है अभी 5-6 साल का होगा, एक अगर शुरू में 3 साल का बाद काट देता तो इतना लंबो नहीं जाता। ये पूरा सीधो सीधो चलेगा। 2 मीटर की ऊंचाई से अगर 3 साल बाद काट देता तो पूरी तरह से फैली जाता अच्छी बहुत सारे डगाल ना कर ले। ये पौधा 3 साल का होगा अभी कटिंग लायक है। 2 मीटर की ऊंचाई पर से अगर काट देगा तो पूरा अच्छी तरह से फैली जाएगी। यह पौधा की ऊंचाई लगभग यहाँ हो 2 मीटर तो 2 मीटर की ऊंचाई से एक काट देना चाहिए ताकि कम अभी नहीं डगालना फूटा। जादला जादला अने धपाड़ना काम आवसे जी अने पातला पातला से ते सुपना काम आवसे जे असला ते सुपना मा काम माई जासे। जैसे कि अभी नारू भाई ने गिलर सीढ़िया के डाल न कह जाड़े जाड़े ना काटे ने एक तरफ करी और पतले पतले ना काटे ने एक तरफ करी तो जाड़े जाड़े बालना काम दे देगा और पतले कलम लगाना काम दे देगा। तो कलम लग काटते समय एक ध्यान रखे कि जब कलम एक बनाओ उस समय इस तरह से पूरा छिल ले। और एक यो जो मुंडो है ये एक झटका में कटना चाहिए इस तरह से। और एक काम दूसरी एक ये ध्यान रखा कि एक भी पत्ती नहीं होनी चाहिए कलम में। और एक बात यह है कि इसका जो नापनो है कि लंबाई इतनी होनी चाहिए 2 फीट। तो इस तरह से एक नापे सकता काटता काटता एक और यह 2 फीट इस तरह से। और कलम काटते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक कटिंग इस तरह से होनी चाहिए और एक मोटाई लगभग अपना हाथ का अंगूठा इतनी मोटी होनी चाहिए। और जो कलम अपना लगाना चाहो कि लंबाई लगभग 2 फीट होना चाहिए ताकि एक बिलात और 4 आंगला जमीन में गड़ जाए। और दूसरी चीज़ एक यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो काटो ये काम फट तिराड़ नहीं जाना चाहिए फटना नहीं चाहिए। यो जिस तरह से कि यह फटेल है एक इस तरह से फटेल नहीं होना चाहिए ये काम यह फटेल है। कलंग लगाओ जैसे लगाते घड़ी यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सुबह से अपना ने कलम काटी है
तो वो 12 बजे तक लगाई देना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम यहाँ देख लेना चाहिए कि लगाते समय की कोई भी पूरी कलम में पत्ती नहीं होनी चाहिए। जगन हाँ, यहाँ तो जिंदो से एक पौर के लगाई थी। तो अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, तुम ये ओकासी 1 मीटर आगे दूसरा ले लो, वहाँ मत लगाओ रंदे। एक गाड़ते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि इतना एक बिलात और 4 आंगला इतरो गाड़ देना चाहिए, इतरो अंदर चले जाए जमीन में, बाद में इतरो बाहर रहना चाहिए। और एक चीज़ यह है कि एक गड्ढो जो है वो सब्बल से खोदना चाहिए, ऐसा गई थी वैसे दिन सब्बल से खोदे जितरो हिलाए पाओ उतरो हिलाना ना, सब्बल निकालने का गाड़ी ने, और पैर का द्वारा गड्ढो बंद कर देना चाहिए ताकि कोई सांस बाहर नहीं निकल पाओ। तीसरी बात है कि 1 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। गिलर सीडिया का पौधा 3 साल का होने के बाद अगर वो काट दे कटिंग का बाद तो इस तरह से फैली जाए, अगर काट दे तो जैसे ये काम बहुत सारे डालने फूटी है। मार नाम राधा छे, सिवन पाणी बैडीपुरा रवा पर किसान समूह में जुड़ेल छे। 1.5 वीघा खेत छे, ओकमा गिलर सीढ़िया पूरा खेत में ये बागड़ आसपास लगायल छे, तो कि बागड़ भी हो जाए, ढोर हन को बचाव भी हो जाए, तो ढोर अंदर नहीं आ सकता। पौधा छे अंबा लगायल छे तो उनका इतनी झल नहीं लगे। उन गिलर सीढ़िया का पांटा तोड़ी ना खेत में हाँक देवा तो कहते ये फायदा छे कि यूरिया खाद नहीं लानू पड़े, डालनु पड़े तो आधा बोरी यूरिया खाद नाका, हम पैसा ज़्यादा बचत रहे। और खेत में ये झाड़का छे झल लगे तो ये झाड़का छे अंबा छे अनार छे चीकू छे कटार है अना तीना झाड़का अवला है, इना झाड़का इनकी बचत हो जाए। गिलर सीढ़िया लगाया हुआ हमारा 5 साल हो गया, तो 2 साल से मैं गिलर सीढ़िया का पांटा अपना खेत में नहक रहा, और अपना ये पांटा है इनका तो अपना यूरिया का काम आवे। एक लायाना हम हर साल एक 2 साल से ये गिलर सीढ़िया का पांटा नहक रहा और अपने खेती कर रहा। और एक ही गिलर सीढ़िया के अपना पौधा कम था हमारे पास, तो कलम करके मेर का आसपास लगा रही हो और धीरे धीरे पूरा मेर का आसपास में बागड़ जैसो कर रहे हो। और इनकी जाड़ी लकड़ी है कलम से जाड़ी बचे वो बालना का काम आ जाए, एक लिए हम गिलर सीढ़िया लगा रहे। गिलर सीढ़िया लगाने का ये फ़ायदा है कि एक तो गिलर सीढ़िया लगाने से जो एक पत्ता है वो ये पौधों एक हरी खाद का पौधा है तो हरी खाद का काम आ जाए। दूसरा फायदा है कि यो है को कि आसपास बागड़ हो जाए, और सदा बाहर पौधों है इसलिए हवा जो गर्मी में चले लू झड़ वो ने झड़ कर अंदर जो अपन खेत में लगावा गर्मी की फसल मूंग है बाकी फलदार पौधा है और सब्जी भाजी है इस तरह के एक जड़ से बचाव है। और चौथी बात यह है कि पानी जो बारिश को पानी पड़ा वो जड़ का द्वारा रिसीन अंदर जमीन को पानी जो को स्तर बढ़ावे। और पांचवी एक चीज़ यह है कि पर्यावरण जो है वह हवा से शुद्ध कर अपना लिए। और एक चीज़ यह है कि एक जो मोटी मोटी ज़्यादा लकड़ी हो जाए तो वह लकड़ी जलाव में भी काम आ जाए। और छठी बात यह है कि जो पानी बारिश में पड़े ओका जो पानी वही निकला तो जड़ का द्वारा थोड़ा पानी को मिट्टी कटाव को रोक दे। और एक साथ ही यो बाकी सिवन पानी की राधा भाई और भागीरथ इस तरह फिर जमा सिंह में नारू भाई ने ये गिलर सीढ़िया का पौधा लगाए, ये सब लाभ लिया। उसी तरह से बाकी किसान भाई बहनों का हमारा ये संदेश है कि सब इस पौधा का लगाओ और इस तरह का पूरा लाभ उठाओ। धन्यवाद किसान नारू भाई, राधा भाई, भागीरथ, सहजकर्ता जगन्नाथ, कैमरा पर्सन रामलाल, समाज प्रगति सहयोग, डिजिटल ग्रीन।